प्यारे बच्चों, आज हम जमात सुवाम का इंग्लिश पोस्ट टेस्ट ये पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स पोस्ट टेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड थर्ड, क्लास थर्ड है। आपका नाम लिखिए, स्कूल का नाम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, लिसन एंड डू, यानी क्या, सुनो और करो। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देंगे। अब हम आपसे कहते हैं या आपके टीचर आपसे कहेंगे, कम हियर। फौरन आपको आ जाना है टीचर के करीब। कम हियर, टेक अ पेपर, फौरन एक पेपर ले लो, टेक अ पेपर, फोल्ड इट, फोल्ड करो, पेपर को हाथ में लेना है, उसे फोल्ड कर देना है, ओपन इट, अब आपने इसको फोल्ड किया था, ओपन इट, उसे खोल दीजिए, गो बैक, वापस जाओ। इस तरह से टीचर आपसे कहेंगे, फौरन आपको उस पर एक्शन करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड है, लिसन एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपको सुनना है, व्हाट, वेयर इज द कैट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पर फोटो जो दिए गए हैं आपको ध्यान से देखना है, और टीचर आपसे कहेगी वेयर इज द कैट। ठीक है, तो आपको आंसर देते जाना है। अब यहाँ देखिए, किधर है कैट, बॉक्स के ऊपर है, यानी ऑन द बॉक्स। तो बच्चों आप जवाब देंगे, द कैट इज ऑन द बॉक्स। आपको ये लिखना नहीं है, जवाब देना है बच्चों। ठीक है, फिर से टीचर कहेगी आपसे, वेयर इज द कैट, द कैट इज इन द बॉक्स, अंदर है। ठीक है, आप कैट किधर है, एबो, ऊपर की तरफ, द कैट इज एबो द बॉक्स। नेक्स्ट है बिहाइंड, बॉक्स के पीछे, वेयर इज द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। कैट जो है दो बॉक्स के दरमियान में बैठी है, ठीक है, बिटवीन। अब टीचर ने कहा वेयर इज द कैट, फौरन आप कहेंगे द कैट इज बिटवीन द बॉक्स। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, बॉक्स के सामने, वेयर इज द कैट, आप कहेंगे द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कल द राइमिंग वर्ड्स, आपने पढ़े होंगे बच्चों, एक आवाज़ वाले अल्फाज जो होते हैं उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो उन्हें सर्कल करना है जिनकी आवाज़ आपको एक जैसी लग रही हो बोलने में। ठीक है, मैट, पैट, टैग, सेट। तो आप यहाँ देखिए, मैट, पैट, एक जैसी आवाज़ है, तो हमने यहाँ सर्कल किए हैं। आपको और भी अगर सही लगता है तो वहाँ सर्कल कीजिए। आगे है पैट, मैन, नहीं जुड़ी आवाज़, पेन, टेन, ये सही लगा। ठीक है, पिन, विन, राइट है, जोड़ी लग रही है। यहाँ देखो पिल, टिन, मॉग, बैग, दोनों की आवाज़ अलग है। रग, बग, सेम आवाज़ लगी, राइमिंग लगी। बॉक्स, फिक्स, नो, आगे देखते हैं, फॉक्स, ऑक्स, ठीक है, लगी राइमिंग वर्ड्स। इस तरह से सर्कल किए हुए वर्ड्स आप ध्यान से लिख लीजिए, और टीचर जब क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब देना है और मार्किंग करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ द पिक्चर इन फ्रंट इन 4 लाइन्स। यहाँ 4 लाइन्स दी गई है बच्चों, आपने प्रैक्टिस की होगी 4 लाइन में कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। पहले आप बताइए ये किसकी तस्वीर है, ये क्या है बच्चों, कप। देखा आपने 4 लाइन में कैसे लिखना है उसे, सी यू पी, कप। नेक्स्ट है फैन, एफ एन, फैन। बॉक्स, बी कैपिटल ओ एक्स। हैन, एच ई एन, हैन। बस, तो इसको आपको अपनी 4 लाइन की नोटबुक में लिखकर बताना है।
नेक्स्ट है बच्चों काउंट एंड राइट द नंबर। यहाँ पर फिगर्स दिए गए हैं, आपको काउंट करना है बहुत ही ध्यान से और उसके नंबर लिखना है। यहाँ पर क्या है बच्चों, बनाना है ना। तो यहाँ पर हमने काउंटिंग की, 3 3 3, यहाँ भी 3 है, ये 3, ये 3, कितने हो गए बच्चों, 3 6 18 बनाना। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक शायद कुछ टमेटो लग रहे हैं हमको, है ना, तो इसको भी काउंट कीजिए। हमारी काउंटिंग यहाँ पर 19 आई है, शायद आपकी भी यही आए या फिर उससे ज़्यादा हो, आप लोग काउंट कीजिए और लिखिए, ठीक है। यहाँ पर भी एप्पल दिए गए हैं, इनको काउंटिंग करके आपको आंसर राइट लिखना है। हमने यहाँ पर टोटल किया तो हमको 16 मिले। ओके, अब यहाँ पर आप खुद काउंट करेंगे और नंबर लिखेंगे, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं आप, 5 5 की 3 लाइन है, यानी कितने होंगे ये, 15। तो बच्चों इस तरह से आपको नंबर्स लिख लेना है। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा पर्चा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको फौरन मिल सके। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।